सो हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिटी स्काईलाइन। इसके अंदर मैं लोगों के लिए बिल्डिंग, पार्क, रोड, हॉस्पिटल, बिजली, पानी और इसी टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं, क्योंकि हम यहाँ के हैं मालिक और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको एक बहुत ही अच्छा वाला लाइफ स्टाइल दे पाएँ। और अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था। तो यार, हमने देखा कि लोगों को ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी आने जाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम क्या करने वाले हैं कि एक बस स्टॉप बनाने वाले हैं, बस डिपो भी बनाने वाले हैं, ताकि लोग वहाँ पर आसानी से आकर घूम सकें। तो अभी देखते हैं यार कि हमारा बस डिपो कब अनलॉक होता है। तब तक हम ये देखते हैं कि लोगों का अभी प्रॉब्लम क्या क्या है। तो अभी तो यहाँ पर लग रहा है कि सब लोग खुश है, लेकिन यहाँ पर कोई दुखी है। ओहो, अच्छा, वर्कर्स ही नहीं है इनके पास। तो वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे घर बनाने पड़ेंगे। तो घर बनाने से पहले हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे रोड, नॉट लाना। ओके, जो समझ गया वो समझ गया। तो और यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए यार, डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा बनाया है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों को स्कूल की कमी हो रही है ना, तो यहाँ पर हम एक और स्कूल भी बनाएंगे, शायद यहाँ पर ठीक रहेगा ना, बिल्कुल सेंटर में। ओके, तो अब यहाँ पर एक बच्चों के लिए स्कूल बन चुका है। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर एक कम्युनिटी स्कूल भी चाहिए इन लोगों को, तो वो यहाँ पर बना देते हैं। देयर वी गो। यार, इन लोगों के लिए कुछ करना, तो ये स्माइलीज जो आती है ना इतनी सारी, वो बहुत प्यारी लगती है। वो सच में ऐसा लगता है कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। और इस गेम का म्यूज़िक, ओहो। ओके, तो यहाँ के लोग पढ़ना भी चाहते हैं, तो इन लोग को एक पब्लिक लाइब्रेरी चाहिए। तो पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ बनाया हम? ये शायद यहाँ पर, यहाँ ठीक रहेगी। ओके, ये स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और कोई इमरजेंसी सर्विसेज, ये थोड़ा सेंटर में रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो यार, हमारी भाई देख रहे हो, सिटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है यार, 1600 लोग हो चुके हैं यार। कोई नहीं, अभी और भी लोग आएंगे। तो अभी हमें एक और रिक्वेस्ट आई है। अभी हमने छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनाया था, अभी हमें बड़े बच्चों के लिए भी स्कूल बनाना। तो ये हाई स्कूल हम कहाँ बनाएं यार? ये थोड़ा इधर ठीक रहेगा ना? ओके, ये जगह बहुत सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम आगे भी सिटी बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। तो यार, अभी तक आपने इस वीडियो का लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये हमारी कुछ छोटी मोटी शॉप्स हैं भाई, कितनी प्यारी लग रही है भाई, छोटे छोटे घर भाई, मस्त लग रहे हैं। ओके, तो अब हमारा टाउन भी अपग्रेड हो चुका है, बूम टाउन बन गया भाई साहब, देख रहे हो। तो अब यार, इन लोगों को एक और प्रॉब्लम आ गई है यार, इन लोगों के पास ना शॉप्स ही नहीं है सामान खरीदने के लिए। बोल रहे हैं कि यार, हम पार्ले जिले निकले जाते हैं तो फिर दूसरे टाउन में जाना पड़ता है। तो भाई नहीं यार, ऐसे थोड़ी होगा, तुम्हें सब कुछ यहीं पर मिलेगा, यहीं पर हम सारी शॉप्स वगैरह खोलेंगे। यार, एक चीज़ और पता चली है मुझे यहाँ पर, इस जगह पर ना बहुत सारे डिजास्टर्स आते रहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, तो उनसे बचने के लिए ना हमें एक इमरजेंसी शेल्टर्स लगाने पड़ेंगे इन लोगों के लिए, तो वो हम लगाते हैं यहाँ पर। अब जब भी कुछ हुआ ना, सब लोग यहाँ पर आ जाना। तो भाई, कुछ चौबीस पकड़ा नहीं लग रहा है शेल्टर, तो जब भी कुछ बाढ़, भूकंप या कुछ भी आएगा ना, कोई भी डिजास्टर होगी, तो सब लोग इसके अंदर आ सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक भी कर दिया ना, तो भी ये शेल्टर इन लोगों को बचा लेगा। तो इसके अंदर इन लोगों के लिए कुछ दिन के लिए खाना पीना का जुगाड़ है आराम से। तो अभी ऐसे में कुछ और शेल्टर्स भी बनाने पड़ेंगे। ये शेल्टर की ना कुछ कैपेसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ ही लोग आ सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें और शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यार हमें ये देखना पड़ेगा, इन लोगों के बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनाना पड़ेगा। यार, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम ये बनाते हैं यहाँ पर। अभी जो भी बच्चे बीमार हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चे के लिए थोड़ी आएंगे। तो यार, इन लोगों ने अभी एक और प्रॉब्लम बताई है, वो है कूरियर की। तो इन लोगों को कुछ ऑनलाइन सामान मंगाना होता तो ये मंगा ही नहीं पाते, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट भेज पा रहे थे, ना ही रिसीव कर पा रहे थे। तो हमें बनाना होगा एक पोस्ट ऑफिस, जिसे हम बनाएंगे यहाँ पर। भाई देख रहे हो, सब केस वाइल हो गई भाई। तो अभी यार, यहाँ के कुछ लोग मर भी रहे हैं। हाँ यार, लिटरली मर रहे हैं। तो इन लोगों को चाहिए एक कब्रिस्तान, ना अफगानिस्तान ना पाकिस्तान, ओनली कब्रिस्तान। तो हम बना दें बिल्कुल सिटी के बिल्कुल दूर। ये यहाँ पर ये रोड बना दिया। अब ये कब्रिस्तान कहाँ पर था? यहाँ पर, तो एम रोड के इस तरफ, उस तरफ नहीं, इस तरफ ही बनाते हैं, यहाँ पर ठीक रहेगा। दे वी गो। तो अगर अभी कोई भी मरेगा तो वो लोग इसको यहाँ पर दफनाने आ सकते हैं। तो यार, अब हो चुकी है रात और हमारा बस डिपो भी खुल चुका है। तो यार, हम अपना बस डिपो भी बनाने वाले हैं यहाँ पर। अब इन लोगों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो क्या, कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारी चलती हैं बसें, बस नहीं बसें चलती हैं। यार, रात में कितना सही लगता है ना, ये देख रहे हो भाई साहब, गजब। ये रहा हमारा बस डिपो। तो अभी तो ये छोटा है, अभी हमें और भी बड़ा बनाना है।
यार कब्रिस्तान में हमने बिजली और पानी की फैसिलिटी तो दी ही नहीं है। हाँ यार, वहाँ पर भी बिजली पानी की जरूरत पड़ती है, तो एक पानी की लाइन हम यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, और बिजली के लिए लगाने वाले हैं हम यहाँ पर एक मस्त वाली विंड मिल। ये भी अभी अनलॉक हुई है ना, तो पुराने वाली सारी विंड मिल हटा के ना हम ये वाली विंड मिल लगा देंगे, क्योंकि ये वाली विंड मिल उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको इस वीडियो का लास्ट पार्ट भी देखना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।